Well, in Pakistan, of course, there's a recruiting effort. I've been told by private military contract sources that a former British SAS officer is now basically putting ads in local newspapers in Pakistan looking to rent compounds for this influx of private military contractors. ये बिल्कुल सच है कि अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकन आर्मी का राइट हैंड और दुनिया की सबसे मजबूत प्राइवेट आर्मी अब पाकिस्तान में है। मीडिया चीख रहा है, हुक्मरानों और आवाम को मामले की संगीनी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हमने बहुत देर नहीं कर दी? पाकिस्तान में ब्लैक वाटर की सरगर्मियों का आगाज तो सालों पहले हो चुका है, जिसका सबूत यह है कि वजारत दाखिला ने 2007 में तमाम सूबों को खबरदार किया था कि इनकी मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखी जाए, लेकिन अफसोस हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कोई एक्शन नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि ब्लैक वाटर ने पाकिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। अमेरिकन एम्बेसी की मदद से कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, पिशावर में बाकायदा अपने ऑफिसेस कायम कर लिए। अब भी ये सूरत हाल है कि हुक्मरान न सिर्फ इनकी मशकूक सरगर्मियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि हुक्मरानों और आवाम की बड़ी तादाद तो ये जानती ही नहीं कि ब्लैक वाटर किस बला का नाम है और इसकी पेनिट्रेशन के पाकिस्तान में कितने संगीन और हौलनाक नतीजे सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का इसरार है कि ब्लैक वाटर पाकिस्तान में मौजूद नहीं, लेकिन ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि ब्लैक वाटर के ऑफिसेज पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में मौजूद हैं। सिर्फ इस्लामाबाद और पिशावर में ही 700 ब्लैक वाटर गार्ड्स मौजूद हैं, जिनकी रिहाइश के लिए 200 से ज्यादा घर किराए पर लिए जा चुके हैं, जिसका एतराब अमरीकी सफीर भी कर चुके हैं। इस सारे मामले में इंतहाई खतरनाक और संगीन बात यह है कि सेक्टर E7 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रिहाइश के करीब 2 घर किराए पर लिए गए हैं। इसके अलावा F6 में 37, G6 में 40, E7 में 41 और दीगर सेक्टरों में भी घर लिए गए हैं। बात सिर्फ घरों तक ही महदूद नहीं, बल्कि ब्लैक वाटर गार्ड इस्लामाबाद की सड़कों पर दनदनाते फिर रहे हैं, असले की खुलेआम नुमाइश कर रहे हैं, शहरियों के साथ जिल्लत आमेज रवैया अख्तियार किए हुए हैं। बीसियों ऐसे वाकयात हो चुके हैं जो किसी भी गैरतमंद कौम के लिए नाकाबिले कबूल हैं। इनमें से 2 वाकयात मैं आपको बताती चलूं। पहला वाकया 25 अगस्त की रात को पेश आया, जब पुलिस ने 2 मशकूक गाड़ियों को रोका जिसमें 4 अमरीकी सवार थे, जिनके पास ऑटोमेटिक मशीन गन्स थी। जब उनसे शनाख्ती दस्तावेजात मांगी गई तो उन्होंने अपना तारुफ ब्लैक वाटर गार्ड्स के तौर पर कराया। इन अफराद को गिरफ्तार करके मरगला पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पर अमरीकी सफारतखाने के सिक्योरिटी ऑफिसर कैप्टन एजाज फौरन पहुंच गए और उन्होंने SHO को धमकियां दी और इन अफराद को छुड़ा कर ले गए। यानी ये साबित कर दिया कि अमरीकी पाकिस्तानी कानून से बालातर है। हमारे जराये के मुताबिक ये 4 अफराद उस डेथ स्क्वाड का हिस्सा थे जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को असैसिनेट करने का इरादा रखते हैं। इस्लामाबाद में दूसरा वाकया आपारा में पेश आया, जब पाकिस्तानी शहरी मोहसिन बुखारी को अमरीकी ब्लैक वाटर गार्ड ने सिर्फ इसलिए मारा पीटा कि उसने अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के आगे खड़ी कर दी। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि सुपरमार्केट के इलाके में ब्लैक वाटर गार्ड ने रोड सील कर दी है। They see these vehicles now in Islamabad without license plates. They see private military contractors in the area. Same thing in Peshawar in the north. इस्लामाबाद के अलावा कराची में भी ब्लैक वाटर की एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं। हमारे जराये के मुताबिक डिफेंस के इलाके खैबान राहत में ब्लैक वाटर ने अपना ऑफिस कायम कर लिया है। यही नहीं, बल्कि हुकूमत में शामिल अहम इत्तेहादी जमात के साथ इनकी मीटिंग्स पिछले 3 महीनों से जारी हैं और 3-4 घर किराए पर लेने के लिए उन्हें भारी रकम की पेशकश की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक कराची में ब्लैक वाटर का मकसद लिसानी और फेकावराना फसादात करवाना है, जिसका सबूत कादियानियों की हिमायत में दिया जाने वाला हालिया बयान भी है। इसके अलावा ये भी इत्तलात हैं कि कराची पोर्ट पर 500 से ज़ायद हम्वीज मौजूद हैं, जिन्हें खुफिया तरीकों से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। 19 अगस्त को ये हम्वीज मंजर आम पर आई, जिसके बाद अखबारात में ये इनकी तस्वीर शाया हुई है। हम्वीज या हाई यूटिलिटी मल्टीपर्पज व्हीकल्स पर हम किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। तहम मैं ये बताती चलूँ कि शहरी आबादी में ऑपरेशन करने के लिए ये हम्वीज इंतहाई कारामद होती हैं। इन पर कोई गोली, बम या मिसाइल असरअंदाज नहीं होता है और ये जदीद तरीन असलहे से लेस होती हैं। एक हम्वी की कॉस्ट $1,40,000 है, जो पाकिस्तानी $1,12,00,000 रुपये बनती है।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 500 हम्वीज की क्या कीमत होगी जो अमरीका पाकिस्तान में जंग लड़ने के लिए लगा रहा है। कराची के बाद अगर हम पेशावर में देखें तो वहां पर भी ब्लैक वाटर की सरगर्मियां काफी अरसे से जारी हैं। एक अमेरिकन एनजीओ क्रिएटिव एसोसिएट्स इंटरनेशनल ने यूनिवर्सिटी टाउन के इलाके में चनार रोड पर एक मकान किराए पर हासिल किया। कुछ ही अरसे में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से अपनी सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स हायर करने की दरख्वास्त की। बाद में ये पता चला कि उन्होंने ब्लैक वाटर की खिदमात हासिल की हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस तंजीम के चलाने वाले ट्रेक डेविस को पाकिस्तान से बाहर निकलने का हुक्म दे दिया और उसका वीजा कैंसिल कर दिया। ताहम ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 2 माह बाद ही अमेरिकन एम्बेसी के दबाव पर उसे दोबारा वीजा जारी कर दिया गया और पाकिस्तान में काम करने की छूट दे दी गई। एक और इत्तला के मुताबिक ब्लैक वाटर ने पेशावर में 40 कमरों पर मुश्तमिल 2 बिल्डिंग्स भी रेंट पर हासिल कर ली हैं। एक और परेशानी की बात यह है कि अमेरिका लाखों रुपए के एवर्स पाकिस्तानियों की सलाहियतों को अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए उसने मशहूर टीवी एंकर, सहाफियों, दानिश्वरों और इंटरनेट ब्लॉगर्स को वॉर अगेंस्ट टेरर के हक में कैंपेन चलाने के लिए हायर कर लिया है। मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगी कि तमाम पाकिस्तानियों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अमेरिका ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और उसे नाकाम बनाने के लिए हमें अपनी तमाम सलाहियतों को बरुए कार लाना होगा, चाहे वो प्रोटेस्ट हम ऑनलाइन करें, चाहे मीडिया के थ्रू करें या फिजिकली करें। पाकिस्तानी बहैसियत एक कौम इससे पहले भी अपने दुश्मनों का मुकाबला कर चुकी है और अब भी अपने दुश्मनों का मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखती है।